हाँ देखिए, ये एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से फोर्थ वाला बताना है। इससे पहले कि वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अपलोड सेव है, और अभी थोड़ा मुझे टाइम लग गया है, बीच में गैप हो गया है, तो अब मैं वीडियो रेगुलर भेजूँगा। अच्छा, तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ बोला है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्यूब्स क्यूब्स है इसीलिए पावर 3 है, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में रखना है। ये दो फॉर्मूले बुक में दिए हुए हैं, लेकिन क्या है आंसर इससे ज़्यादा सही आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका, लेकिन ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का अगर यूज़ करते हैं, तो ये फॉर्मूला जो है इसी का इसी फॉर्मूले से बना हुआ फॉर्मूला है। देखिए ये है और ये है वैल्यू। इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये वाला ही फॉर्मूला एक्सपेंड करके ये बनाया है हमने। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखिए, लेट यहाँ पे मान लेंगे, देखिए एक्स इजिकल टू, तो एक्स है, एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स है, और वाई इजिकल टू, देखो यहाँ वाई है, यहाँ पे कितना है 2/3 y, एक्स और वाई की वैल्यू इस तरह मान ली हमने। अब इस तरह से एक्सपेंड करना है हमको, तो हम क्या करेंगे देखिए, एक्स की पावर 3, एक्स की जगह पे तो एक्स है, तो एक्स की पावर 3 माइनस फिर 3x² y। 3x की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो x² y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2/3 y। इसके बाद फिर ये लिखेंगे प्लस 3xy² प्लस 3x, x की जगह x है, और y² y की जगह पर क्या है 2/3 y, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस y की पावर 3, y की वैल्यू 2/3 y, इसकी पावर 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया कर लीजिए, तो देखिए x की पावर 3 माइनस, देखिए यहाँ तो कोई स्क्वायर तो है नहीं है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x² y, फिर प्लस 3x इंटू, देखो 2/3 y का स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, वाई स्क्वायर माइनस 2 का इंटू 3 बार करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, अपॉन 3 का 3 बार इंटू, 3 3 या 9 3 या 27 आएगा, वाई की पावर 3, ठीक है ना। यहाँ इसको कैंसिल कर दो, 3 3 या 9, तो हमारा आ गया आंसर एक्स की पावर 3 माइनस 2x² y प्लस 4/3 x² और माइनस 8/27 y की पावर 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम आंसर जिस तरह से उसमें अरेंज किया हो आंसर शीट में, उस तरह से आप वैल्यू अरेंज कर लेना, आंसर तो आपका यही आ गया है। हो सकता है ये वैल्यू यहाँ लिखी हो, ये इधर लिखी हो, बस इतना ही अंतर हो सकता है, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं फॉर्मूला कैसे याद करना है आपको, ये वाला, ये फॉर्मूला याद करने के लिए मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, बहुत आसान है। देखिए एक्स माइनस वाई की पावर 3 है, आपको क्या करना है, एक्स की पावर 3 माइनस, देखिए माइनस वाले में क्या है, दूसरा और चौथा माइनस का है पहला। अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हमने क्या किए, यहाँ पे 1 2 3 4 चार भागों में बांटी है इसको, जिसमें से पहला और चौथा माइनस में आएगा, पहला और चौथा, वो सॉरी पहला नहीं, दूसरा और चौथा माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स की पावर 3, फिर हमको यहाँ 3 लिख देना, यहाँ भी 3 लिख देना, और यहाँ वाई की पावर 3 लिख देना। अब एक बार लिख दो x² y, एक बार लिख दो x² y, बस हो गया फॉर्मूला। प्लस वाला देखिए, एक्स प्लस वाई की पावर 3, प्लस वाले में सभी जगह प्लस रहेगा, 1 2 3 और 4, तो देखो यहाँ पे लिख देंगे एक्स की पावर 3, यहाँ पे लिख देंगे वाई की पावर 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे भी लिखेंगे 3, फिर x² y और x² y, सिंपल। इस तरह से हम ये दोनों फॉर्मूले याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका बता रहा था मैं आपको। और ये दो फॉर्मूले ये बुक में लिखे हैं, ये इस तरह से हैं, ये और ये और ये और ये एक ही है, कोई अंतर नहीं इसमें। चलिए सवाल हो गया है, अब हम सेवन सेवन्थ क्वेश्चन देखेंगे।